हाँ जी दोस्तों सुनो 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 वाले सुनो सर देखिए सुबह का समय जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्यों सर रात के समय में बहुत टाइम पास कर सकते हो आप लेकिन सुबह के सात बजे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं एक भी मिनट नहीं वेस्ट करना चा, चाहता सुबह का तो आज के बाद जो भी क्लास में सात बजे के बाद लेट आएगा कुछ तो मिस करेगा ठीक है सर बफरिंग इशू क्वालिटी इशू में कुछ भी अभी नहीं देखूंगा मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा ठीक है उसके बाद अपन देखेंगे आपके नेट का प्रॉब्लम है किसका प्रॉब्लम है जो भी अपन फिगर आउट करेंगे लेकिन हाँ अगर एक इशू बहुत लोगों को आता है तो प्लीज मेरे को बताना अपन उसको फिगर आउट करेंगे ठीक है अरे यार सर सुबह का टाइम है और बिल्कुल भी मेरे को वेस्ट नहीं करना है तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आर कोर्स ठीक है सर मस्त एकदम पढ़ेंगे पूरा कवरेज होगा बस मेरे साथ साथ पढ़ते जाना और जैसा मैं बताऊंगा वैसे पढ़ते जाना ठीक है आ जाओ सर आज के सबसे पहले दिन के इंट्रोडक्शन में सर सबसे पहले जिन्होंने पिछले जो हमने एक छोटा सा ऐसा जूम का लाइव कॉल किया था उन लोगों ने जो अटेंड नहीं किया था जो बहुत लोगों ने नहीं किया था विच इज एब्सोल्युटली फाइन मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्यों

सर आप पढ़ाते नहीं हो मैं पढ़ाता भी हूं और मैं काम भी कर लेता हूं दिन में सोलह घंटे काम हो जाते हैं हो जाता है है मैनेज ठीक अब सर ये था मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन ठीक है अब सर आ जाते हैं आपका बड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके सी फाइनल लॉ का सर आप लोगों को ये तो पता होगा पेपर फोर है ठीक है तो पेपर फोर में सर ये देखो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा चार्ट बना रखा है आपको एक ब्रॉड ओवर व्यू दे, दे देता हूं कि आपका पेपर फोर जो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ है वो कैसा है सर सबसे पहले सर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ दो पार्ट में बटा हुआ है कॉर्पोरेट लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ वाह क्या बात की है वाह ठीक है कॉर्पोरेट लॉ जो है आपका वो सेवेंटी मार्क्स का आता है और जो इकोनॉमिक लॉ है वो थर्टी मार्क्स का आता है इकोनॉमिक लॉ का सिलेबस पहले देखते हैं जो आपका इकोनॉमिक लॉ का सिलेबस है दैट हैज इट पहले सर यहाँ पे छह एक्ट हुआ करते थे अब यहां पे सिर्फ पांच एक्ट है कौन कौन से पांच एक्ट है सर किसी को पता है क्या फेमा फेमा क्या होता है सर पढ़ेंगे डिटेल में अभी के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक आपका एक्ट है दूसरा आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रेप्सी कोड तीसरा पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फोर्थ एफसीआरए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट और फिफ्थ एक्ट तुम लोग को पता है वाह फिफ्थ एक्ट आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट मैंने आर्बिट्रेशन का स्पेलिंग ठीक लिखा है ना हां लिखा है ठीक है कंसिलियशन एक्ट सर ये पांच एक्ट है जो आपको पढ़ना है सर पूरा का पूरा एक्ट है एंड टू एंड मतलब पूरा एक्ट है पूरा सब जो लिखा हुआ था लिख दिया इन्होंने अब सर बहुत लोग बोलेंगे अरे सर आप क्या पढ़ाओगे हमको सरफेसी एक्ट भी तो है सरफेसी एक्ट नहीं है ठीक है सरफेसी एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2021 इन्होंने अपने सिलेबस में से हटा दिया ठीक है <coughs> तो आप लोगों के लिए सरफेस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है पर आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो लेकिन आईसीआई ने अपने वेबसाइट पे तो अभी भी सरफेस एक्ट डाल रखा है नहीं डाल रखा है भाई तुम वहां जाके क्लिक करो उसको और ओपन करके देखो क्या लिखा हुआ है दिस एक्ट हैज डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स तो डिलीट ही कर देते ना क्यों स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हो ठीक है सर तो अब बच्चे सर ये हमारे फाइव एक्ट हो गए अब आ जाते हैं कंपनी लॉ कॉर्पोरेट लॉ की तरफ जो आपका कॉर्पोरेट लॉ जो सेवेंटी मार्क्स का है जो सबसे बिगेस्ट सेक्शन है वो सर आपका शुरू होता है उसमें दो पार्ट और है कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज लॉ 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 सर कंपनी कंपनी क्या होता है मतलब वो लॉ जो कंपनीज को एप्लीकेबल होती है सिक्योरिटीज लॉ मतलब क्या है? सर वो लॉ जो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बना हुआ है तो सर ये दो पार्ट में स्प्लिट होता है पहले मैं आपको बताता हूं सिक्योरिटीज लॉ में क्या क्या आता है सर पहले ना पहले पिछले साल तक सिक्योरिटीज लॉ में आता था सेबी और एक चैप्टर था कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो जब पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा मार दो मुझे यार पर इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने एस सी आर ए भी सिलेबस से हटा दिया क्योंकि सर इन्होंने बोला प्रैक्टिकली इतना रेलिवेंस नहीं रखता और सर इन्होंने सेबी का कोर्स थोड़ा सा बढ़ा दिया से भी एल का जो वॉल बुक है जो, जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जिसको पता है उसको पता है उसको बढ़ाने में मेरा भी हाथ था लेकिन अच्छा कंटेंट है सर कोई लोड नहीं है लॉजिकली अच्छा है समझ आ जाएगा अपने आपको अब आ जाते हैं सर सबसे बड़ा दिग्गज कलाकार कंपनी लॉ सर कंपनी लॉ में क्या है आपका कंपनीज एक्ट 2013 आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों का कंपनीज एक्ट 2013 है ये पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था इतना पुराना हो गया 1956 इतने अमेंडमेंट हो गए कि बोले एक बार कमेटी देते इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया ठीक है अब सर आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना वो सेक्शन 1 से शुरू होता है और सेक्शन 470 तक जाता है 470 सेक्शंस ठीक है अब सर या तो आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो

और आपको लगा अरे 128 से सीए फाइनल में पढ़ेंगे लेकिन जब तक आप सीए फाइनल में आए तब तक वो आईपीसीसी में चला गया अरे वाह तो मजा है ना सर कोर्स कम हो गया ना अच्छी अच्छी बातें गर सुबह यही बताओ और क्या क्या कम हो गया ठीक है पर क्या कम हो गया वो बात करने से जो बचा है वो खत्म नहीं होगा ठीक है तो सर अपन को तो अगर आप जो भी इंटरमीडिएट हो आईपीसीसी से हो हमारा सी फाइनल का जो सिलेबस होगा ना जो आपके लिए रेलिवेंट है वो शुरू होता है सर सेक्शन वन फोर्टी से लेकर 470 तक है लेकिन ने बोला, देखो भाई, हमको पता है हमारे कितनी करते हैं हम उनको बिल्कुल नहीं परेशान करना चाहते अगर 149 से 470 दे देंगे भला पढ़ पाएगा कोई इंसान नहीं तो उन्होंने बोला वी विल नॉट इंक्लूडेड कंप्लीटली वॉट वी विल डू ओनली इंक्लूड टिल फोर ओ एहसान तुम्हारे पंद्रह और डाल देते ना हम पूरा ही कंपनी एक्ट बोल लेते क्यों छोड़े पंद्रह हमको डाल देते हम कर लेते हमको नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान ठीक है तो सर सर रेखा दिस इज एन हिंदी इंग्लिश मिक्स क्लास आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीटली स्पीक इंग्लिश बिकॉज सो जाएंगे तुम भी मैं भी ठीक है सुनो सुनो सर सुनो अरे यार बाकी स्टूडेंट्स सुनते रहो और एक्टिव रहो सुनो तो सर अपना 149 से 455 तक 455 तक है बेसिकली पूरा कंपनी है सर जितना बचा हुआ है एंड टू बी वेरी फेयर टू इंस्टीट्यूट कुछ एक पोर्शन है आप समझ लो सेक्शन 235 के बाद जितना 470 तक है ना उसमें हर कोई चीज इंक्लूडेड नहीं है बीच में बहुत सारी चीजें उमिटेड है बीच में बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शन है से अपना हो जाएगा सर अपना लोड नहीं है ठीक है तो ये था सर आपका ब्रॉड ओवरव्यू एंड टू कंक्लूड सेक्रा एस सी आर ए और सरफेसी आपके सिलेबस में नहीं है ठीक है पर पेपर सिक्स डी अगर कोई दे रहा है तो उसके सिलेबस में सरफेसी एक्ट है जिसका मॉड्यूल अलग है वो हमारे लिए अभी रेलिवेंट नहीं है अब सर ये हो गया आपके सीए फाइनल लॉ का सिलेबस अब सर ये बताओ बेसिकली पेपर पैटर्न क्या होता है मतलब हाउ इज पेपर पेपर तो पैटर्न एक्चुअली रुक जाते एक हैं ना तो मैं आपको पेपर पैटर्न दिखाता हूं अब सर हम चलते हैं हमारे पढ़ाई की तरफ सबसे पहले मेरे को आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताने दो कि हाउ इज एन एक्ट एनेक्टेड सर अभी देखो आप ना फटाफट बताओ ये सब बचपना बातें मत करो एक्ट कैसे होता है क्या करना है हमको जान के एग्जाम में आएगा क्या नहीं तो आप सिर्फ एग्जाम एग्जाम की बातें करो सर कर लूंगा लेकिन बाद में जब मैं आपको बोलूंगा कि ओजी में नोटिफाई हो गया तुम बोलोगे क्या एजी ओजी लगा रखा है सर तो फिर मेरे को मत बोलना कि नहीं समझ आया एक बार सुन लो कि सर एक्ट एक इनैक्ट कैसे होता है अगर किसी ने सोचा कंपनीज एक्ट बनाना है तो कैसे बना होगा सर कंपनीज एक्ट बहुत सिंपल है सर पूरा जो लीगल चीज होती है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ा बहुत पावर दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में है 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 भले भले वो वो बीजेपी कांग्रेस जो जो भी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर 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 में है, जो भी पावर में रूलिंग पार्टी उसके पास पावर है कि तुम एक्ट बना लो क्या मतलब सर अगर तो कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया एक है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एक है सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सर ये सब ना अलग अलग समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे डिपार्टमेंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ ये मिनिस्ट्री ऑफ वो मिनिस्ट्री ऑफ ये एक उनमें से है सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो मेरे को बताओ कंपनीज एक्ट की जब बात करें तो कौन सा मिनिस्ट्री कंसर्न होगा तो आप बोलोगे सर देखो वैसे तो हमको पता नहीं है लेकिन आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पूरा लिखा ना लिखने में पूरी मेहनत की ना इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही होगा सर शायद हो सकता है है सिविल एविएशन वगैरह हमको पता नहीं है, लेकिन आपने ये पूरा लिखा तो यही होगा पर सर एमसीए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दी कंपनीज एक्ट तो सर मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट आज के डेट पे कौन है सर मोदी जी कल भी कौन रहेंगे मोदी जी आपकी बार मोदी सरकार तो सर मोदी जी जो है वो क्या करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाएंगे कोई बता सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कौन है हाँ सर अरुण जेटली हमको बताया हमको बताया नहीं भाई अरुण जेटली लेट हो गए अभी ही नॉट एग्जिस्ट एनी मोर अब कौन है सर निर्मला सीतारमन जी इज दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है निर्मला सीतारामन जी अगर ना सीए बन जाओगे और पूछेंगे कोई कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है आप नहीं बता पाओगे ना तो थोड़ा ना धिक्कार हो जाता है ठीक है तो सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अब मोदी जी जाएंगे निर्मला सीतारामन जी के पास बोलेंगे भाई देख तेरा जो कंपनीज एक्ट है है बहुत पुराना हो गया अपने को नया चकाचक एक बना करके दे तो निर्मला सीतारामन जी थोड़ी बोलेंगे हाँ मैं बैठ के बनाती हूं पूरा क्या करेंगे मैडम वो जाएंगे एक कमेटी बनाएंगे एक कमेटी जिसमें सर जो भी कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं जो भी लॉयर्स हैं जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनकी एक कमेटी बनेगी आठ दस लोगों की और वो लोग एक ड्राफ्ट बनाएंगे जिस ड्राफ्ट को हम कहते हैं बिल सर ड्राफ्ट बनाएंगे मतलब क्या वो बेसिकली एक ढांचा बनाएंगे कि हाँ यार हमारे हिसाब से सेक्शन 149 में ये होना चाहिए 150 में ये होना चाहिए और क्लॉज ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए चाहिए ये और उसके नीचे का रीजन भी वो बताएंगे और वो वो पूरा एक ड्राफ्ट ड्राफ्ट बनाएंगे वो को सर कहते हैं बिल उस ड्राफ्ट को एक्ट नहीं कहते वो तो बस एक रैंडम ड्राफ्ट है उसको कहते हैं सर बिल अब एक बार बिल बन जाए ना निर्मला सीतारामन जी के गाइडेंस के अंडर एक बार एक कमेटी ने बिल बना दिया ना तो वो बिल लेकर के आप जाओगे लोकसभा या राज्यसभा के पास सर जब एक बिल बन जाता है ना उसको दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है लोकसभा का भी राज्यसभा का भी अब सर सवाल यह पहले लोकसभा के पास जाएंगे कि पहले राज्यसभा के पास जाएंगे देखो सर कहता है है कि भाई जो है जो फाइनेंस बिल ना तुम इनकम टैक्स के आईडीटी लिए, लिए पढ़ते हो वो फाइनेंस बिल जो है ना बस उसके लिए प्रोसेस सेट इन स्टोन है मतलब लिखा हुआ प्रोसेस है कि जब भी फाइनेंस बिल को अप्रूव करवाना है ना तो तुम पहले लोकसभा के पास जाओगे फिर राज्यसभा के पास जाओगे ठीक है उसके अलावा अगर कोई और बिल पास करवाना है ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता आप पहले लोकसभा जा रहे हो पहले राज्यसभा जा रहे हो आप कोई भी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के पास चले जाओ पहले लोकसभा के पास जा रहे हो तो उसके बाद राज्यसभा या फिर पहले राज्यसभा के पास जा रहे हो तो उसके पास उसके बाद लोकसभा जो भी आपको ठीक लगे और सर जब एक बार लोकसभा भी अप्रूव कर दे और राज्यसभा भी अप्रूव कर दे आप उसको लेके जाना प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट ऑफ यूएस विल अप्रूव दिस बिल

मेरे को कैसा पता चलेगा अरे कोई एक्ट तो भी प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया मैं क्या 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 न्यूज पढ़ता बैठू आज आज अप्रूव अप्रूव हुआ आज क्या अप्रूव हुआ नहीं सर इसीलिए अभी ये जो चीजें थी ना ये जो हो रही थी अभी तक ये प्राइवेट था सर अभी तक ये अंदर ही अंदर हो रहा था लेकिन सर जब एक बार प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है ना प्रेसिडेंट का एसेंट प्रेसिडेंट का अप्रूवल उसके बाद सर जो वो बिल है ना बिल वो बन जाता है एक्ट क्योंकि सर प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया अब वो लॉ बन गया ठीक है अब ये जो एक्ट है ना सर ये पब्लिक तक पहुंचाने का एक जरिया होता है उस जरिए को कहते हैं सर ऑफिशियल जिसको मैं अपने में बड़े प्यार से ओ जी लिखता हूं क्या लिखता हूं सर ओ जी वो ए जी ओ जी लोजी सुनोजी वाला ओ जी नहीं है ये ऑफिशियल गैजेट वाला ओ जी है ऑफिशियल गैजेट मतलब क्या सर कुछ नहीं ये बस है बस एक वेबसाइट है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट जाकर के जो चाहे वो पब्लिश कर सकता है ठीक है अब सर जो पब्लिक है सुनो ना सुनो ना सुनो ना ऑफिशियल गैजेट में जाकर के पब्लिश करना पड़ेगा उसको कहते हैं सर नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट तो सर जब एक एक्ट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो जाता है मतलब तुम मान लोगे कि हमने पब्लिक को बता दिया है और उस दिन से वो एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है कभी कभी क्या होता है ना सर मान लो ये लोग फर्स्ट मार्च टू को ऑफिशियल गैजेट में डाल रहे हैं कि भाई देख गया लेकिन उस नोटिफिकेशन में वो क्या लिख रहे हैं कि भाई आज हम इसको अपलोड तो कर रहे हैं लेकिन दिस एक्ट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होगा तो सर जो भी डेट नोटिफिकेशन में लिखा है उस दिन से एप्लीकेबल होगा अगर डेट नहीं लिखा है तो जिस दिन आपका ऑफिशियल गैजेट नोटिफाई हुआ उस दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर अस सर बट यू शुड नो इट एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट कि भाई एक एक्ट पिक्चर में कैसे आता है सबसे पहले बिल बनता है

क्या मतलब वो क्या डिफरेंस था सर समझा नहीं हमको तो सर एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस होता है पता है है जब एक एक्ट बनता है ना तो कई बार एक्ट में हर चीजें नहीं लिखते हैं। क्यों सर फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपका पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन कोई बता सकता है सर पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन का सेक्शन प्लीज बता दो सर पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है सेक्शन 271 में जो आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा अब सर जैसे ही आपने बोला ना ये आईपीसीसी में पढ़ा होगा चलो मैं बताता हूं पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन सर सेक्शन 271 में दिया हुआ है मेरे को एक चीज बताओ हाँ जी हाँ सर हां करेक्ट करेक्ट श्वेता सुनो पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन में, में मेरे को समझाने दो मेरे को पता है बहुत लोगों को आता है मेरे को पता है बहुत लोगों को नहीं आता है बट एक चीज है जो मेरे को समझाना है वो सुनो तुम पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है सर सेक्शन 271 अगर पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में मान लो प्लीज मान लो अगर वो ऐसा लिखते कि भाई हमको ना चाहिए कि अगर तुम पब्लिक कंपनी बन रहे हो ना तो तुम्हारा मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो रुपीज लाख का होना चाहिए

ठीक है तो सर अगर आप एक एक्ट में अमेंडमेंट लाना चाहते हो ना तो आपको ब्रॉडली ये जो पूरा प्रोसीजर था ना लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल फिर असेंट और ये सारी चीजें और फिर नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ता है अगर आपको एक एक्ट में अमेंडमेंट लाना है तो तो सर इन्होंने एक्ट में क्या किया ना इन्होंने बोला हम तुमको लिमिट नहीं बताएंगे इन्होंने बोला द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब एज मे बी प्रिस्क्राइब ऐसा क्यों सर मिनिमम कैपिटल पेड कैपिटल क्यों अब सर ये जो एज में प्रेस्क्राइब आता है इसका मतलब सर इन्होंने क्या एक्ट के थ्रू क्या किया इन्होंने पावर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया क्या किया सर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट अब तुम कर लो क्या लिमिट होनी चाहिए अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पांच लाख प्रेस्क्राइब कर सकता है पर अगर उसको लगा नहीं भाई पांच लाख बहुत कम हो गया मेरे को दस लाख प्रेस्क्राइब करने का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा एक बस ऑफिशियल गैज में नोटिफिकेशन दे देगा limits, 10 ,000 ,000. सर, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है ना और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाइड थ्रू कॉल्ड एज रूल्स तो सर एक्ट में पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को कैसे यूज करेगा वाया रूल्स तो सर एक्ट जो है उसके साथ रूल्स आते हैं कभी कभी सर कोई कोई एक्ट पावर देता है आपको रूल्स के साथ साथ रेगुलेशन भी आता है तो सर एक्ट इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ा जा सकता एक्ट के साथ आपको रूल्स रेगुलेशन केस लॉ सब पढ़ना पड़ता है और वो सारी चीजें मिला करके ना ये सारी चीजें मिला करके लॉ बनता है सो लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म सर एक्ट इज अ स्मॉलर टर्म एक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ लॉ

आग, आज मैं आपको एक सेक्शन 149 पढ़ाऊंगा अगले डेढ़ घंटे में डेढ़ घंटे में हम सिर्फ 149 के आधा सेक्शन पढ़ पाएंगे पूरा सेक्शन भी नहीं पढ़ पाएंगे इतना बड़ा 149 है ठीक है अब जब मैं तुमको 149 इतना बड़ा पढ़ा रहा हूं तो भाई उसमें एक छोटा सा 149 ये तीन नंबर तुमको याद नहीं रहेगा अगर तो इतना बड़ा वन सेक्शन कैसे याद रहेगा सर जब इतना बड़ा सेक्शन के अंदर का कंटेंट आपको याद करना है तो वो बेचारे तीन नंबर को भी याद कर ही लो ना तुमको कितनी मेहनत लगेगी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और सर दूसरी बात क्यों चलो सर आपका लॉजिक ठीक है लेकिन हमको बताओ एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स या कम मार्क्स मिलते हैं क्या बहुत सिंपल सा लॉजिक है मान लो आप भी पेपर लिखने जा रहे हो और मैं भी पेपर लिखने जा रहा हूँ आने वाले अटेम्प्ट में ठीक है अब अगर जो आपने पेपर लिखा उसमें आपने सेक्शन नंबर नहीं दिया और मैंने जो पेपर लिखा उसमें मैंने सेक्शन नंबर लिखा और बाकी हमारा पूरा आंसर एज इज है तो सर आपको क्या लगता है मेरे को भी पांच मार्क मिलेंगे आपको भी पांच मार्क मिलेंगे नहीं सर उस केस में आपको फोर एंड हाफ या फोर मार्क्स मिलेंगे क्योंकि एग्जामिनर को मेरे को पांच मार्क देने का है। अगर वो मेरे को और आपको भी पांच मार्क दे देगा तो वो इनजस्टिस हो जाएगी तो सर वो डिफ़ॉल्ट आपका आधे मार्क्स कट कट जाएंगे जाएंगे एक मार्क जाएंगे, तो सर सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है और दोस्त आज क्या? भाई वो का लिख के आता है ठीक है और ये कोई अनोखी स्टूडेंट नहीं है मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखना है बस आपको मन में ये बनाना है हाँ सेक्शन नंबर याद करेंगे और मेरी गारंटी है

सिक्सटी याद रहेगा जाके तुम एग्जाम में लिखोगे फोर्टी फोर्टी मार्क्स का लिख के आओगे तुमको लगता है एग्जामिनर फोर्टी देगा नहीं सर तो कम से कम अपन कोशिश ये करेंगे कि हम बेरैक्ट पढ़ रहे हैं बेरैक्ट ही याद कर रहे हैं बेरैक्ट ही रिवाइज कर रहे हैं और एग्जाम में जाके 100 मार्क का जो बेरैक्ट है उसकी जगह हम 80, 70 मार्क का कंटेंट लिख के आ रहे हैं तो भला करेगा भगवान हमारा अगर इंस्टीट्यूट हमको 50 मार्क दे देगा उसमें से तो सर लॉ में या फॉर दैट मैटर इन ऑडिट ऑल्सो टू गेट फिफ्टी इज डिफिकल्ट बिकॉज यू डायल्यूट एवरीथिंग और सर मैं आपको एक चीज बताऊं जो दुनिया में कोई नहीं बताएगा बेराग बहुत आसान है बेराग बहुत लॉजिकल है कंपनीज एक्ट के लिए तो बैराक सबसे बेस्ट है ठीक है उसके बाद कोई और चीज आती है और जहां बैराक में आपको दिक्कत आएगी वहां मैं हूं ना तो कोशिश अपन सर करेंगे बैराक का बेराक का, का कोशिश मतलब क्या सर अभी प्रिंट निकाले कंपनीज एक्ट का नहीं आपका जो आईसीआई मॉड्यूल का लैंग्वेज है या फिर जो आपके क्वेश्चन बैंक में आंसर का लैंग्वेज है वो बेराक का ही लैंग्वेज है सर व्ट शुड बी ऑर अप्रोच नाउ द ओनली अप्रोच दैट यू हैव टू डू इज अटेंड द क्लास लर्न रीड फ्रॉम समरी नोट्स रीड फ्रॉम क्वेश्चन बैंक फुल स्टॉप नथिंग एल्स नीड्स अगर जो समरी नोट्स में जो कंटेंट है उसका जब आपको लैंग्वेज समझना है तो वो लैंग्वेज आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करके समझ आ जाएंगे उससे आपका सॉर्ट हो जाएगा सर ठीक है दैट ऑल यू नीड टू डू नथिंग एल्स लास्ट सर सेकेंड लास्ट वट शुड बी ऑर अप्रोच इन लॉ

और उसको अपने, अपने हिसाब से अपने नोट्स में लिखते जाओ आपको स्क्रीन में लिखा हुआ कुछ भी कॉपी नहीं करना है आपको बस सुनना है और आपको लिखते जाना है उसको ना आपको समरी नोट चाहिए आज ना आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए अगर जहां रेलिवेंट होगा वहां मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा दूंगा वहां से देख लेना आज और कल की क्लास के लिए आपके पास अगर नहीं भी है तो चलेगा आपसे मैनेज हो जाएगा अगर मैं आपको पीडीएफ दे भी देता हूं तो आपको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो सर अप्रोच क्या होगा क्लास में नोट्स लेके आओ पेन लेके आओ पेन लेके लिखते रहो क्यों सर क्यों सर क्यों सर देख भाई थियरी है बीच में अगर ज्यादा मजाक में कर सकता हूं ठीक है बीच में मैं दो घंटे की क्लास में पांच मिनट स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं करूंगा तो वो पांच मिनट पांच मिनट पांच मिनट ऐड होकर के आपके दो तीन घंटे के कोर्स बढ़ जाएंगे विच नीद वो तो फर्स्ट डोंट वॉन्ट राइट सो यार राज रुक जाना भाई क्लास है क्लास में ये सवाल मैं अभी ट्रैकिंग आईडी चेक करके बताऊं तेरी सुनो अप्रोच क्या होगा सर आप क्लास में लिखोगे उसको ताकि आपका फोकस बना रहे आप जो भी सुन रहे हो उसको नोट डाउन करोगे ठीक है भले रफ में भले वो नोट्स आपको एक्सटेंसिवली यूज नहीं होने वाले बट दैट इज जस्ट टू बिल्ड फोकस इन क्लास और यू कैन साइमल्टेनियसली रीड इट विद द समरी नोट्स आल्सो बट समरी नोट्स में पढ़ाऊंगा आपको तो यू डोंट हैव टू प्रोबेबली सर लास्ट क्वेश्चन व्हाट अबाउट आईपीसीसी लॉ सर आपने जब सेक्शन 271 बोला ना ऐसी तैसी हो गई हमारी क्यों बोले सर आईपीसीसी का तो जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ अगले दिन भूल गए हम तो अब आईपीसीसी के लॉ का भी रेफरेंस आएगा क्या सीए फाइनल में नहीं आएगा जहां आएगा वहां मैं आपको सेक्शन पूरा बताऊंगा जैसे कि नया सेक्शन है ठीक है तो आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं एक बार बुक खोल लेता हूं, लेता रिवाइज कर ना तो आप कर पाओगे ठीक है तो वो सोचना भी रहने दो लेकिन ना आपको करने की जरूरत है मैं संभाल लूंगा हो गया सर बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया अब सर शुरू करते हैं क्लास ठीक है क्लास यहीं शुरू करते हैं सर सुनो ना वॉट विल बी आर अप्रोच फॉर क्लास सर सबसे पहला अप्रोच होगा कि जो है न, मैं आपको कंपनी हूं जो आपका आज के में, में, 60 का है, उसका क्या सीन है सर ये जो 60 मार्क्स का कंपनीज एक्ट है ना दिस गेट्स स्प्लिट इंटू टू पार्ट आई कैन डिवाइड दी होल कंपनीज एक्ट इंटू टू पार्ट पहला है सर डिरेक्टर्स दूसरा है अदर्स सर डायरेक्टर्स क्या है सर डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू होता है सेक्शन 149 से और चलता है सेक्शन 205 तक मतलब सर लगभग कितने सेक्शन है लगभग 55 सेक्शंस है ठीक है और अदर्स मतलब सर वो पोर्शन जो शुरू होता है 206 तक और जाता है 455 तक लगभग कितने सेक्शन से है सर 250 सेक्शंस है लगभग ठीक है करेक्ट है ना हां 200 लगभग लगभग ठीक है अब सर सुनो ना जो डायरेक्टर्स है ना ये टोटल कितने मार्क्स मार्क्स का का। है? डायरेक्टर्स जो पहले के तीन चैप्टर है हिम्मत है कि मैं इसको थर्टी फाइव भी लिख लूं लेकिन चलो अपन नहीं लिखेंगे बट विल बी लिटिल तीस मार्क का डायरेक्टर आता है सर तीस मार्क का आपका अदर कॉन्सेप्ट आता है अब सर सोचो ये पचपन सेक्शन 55 सेक्शंस section, पढ़ने के 30 मार्क्स एंड ऑन टू फिफ्टी से थर्टी है, है।, है। तो टारगेट होगा, होगा कि अपन डायरेक्टर्स शुरू करेंगे और खत्म करेंगे डायरेक्टर्स आपके सिलेबस में चैप्टर वन टू थ्री है वो तीनों खत्म करेंगे उसके बाद में आगे का फॉरवर्ड आपको बताऊंगा अब सर आ जाते हैं आपके डायरेक्टर्स के सिलेबस में सर जैसा कि मैंने आपको बताया तीन चैप्टर में डिवाइडेड है आपका डायरेक्टर्स का सिलेबस लेट मी नॉट एज पर आई सी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डिरेक्टर्स कि सर जो डायरेक्टर्स है जो डायरेक्टर्स हमको बनाने हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और क्वालिफिकेशन क्या होगा इसके बारे में अपन पढ़ेंगे ये शुरू होता है सर सेक्शन वन पे और खत्म होता है सेक्शन 172 पे ठीक है आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो सर मीटिंग ऑफ बोर्ड इट्स पावर के बारे में है इट्स पावर मतलब क्या सर आपने फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में आपने डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया अब सेकंड चैप्टर में ये बताओ कि भाई जो डायरेक्टर अपॉइंट किया है तुमने उस, उनको कब मीटिंग करनी है उनका पावर क्या होगा इस बारे में डिटेल बताओ कोई मेरे को बता सकता है सर कौन सेक्शन से शुरू होता है 170,

जो आपके सीए फाइनल का कोर्स में डायरेक्टर्स के अंडर आते हैं और सर ये तीन चैप्टर जो है सुनो आपके कंपनीज एक्ट में जो कंपनीर इलेवन है, है, है क्या बात कर रहे हो सर चैप्टर इलेवन सीधा हाँ भैया चैप्टर वन टू टेन जो बेर एक्ट का है वो तो तुमने सीए इंटरमीडिएट में पढ़ लिया ना तो अभी ये चैप्टर इलेवन है और ये चैप्टर ट्वेल्व है और ये चैप्टर थर्टीन है ठीक है थर्टीन और सर आईसीआई मॉड्यूल का आईसीआई मॉड्यूल का ये चैप्टर वन है आप बोलोगे ये चैप्टर टू है और ये चैप्टर थ्री है पर आईसीआई ने बोला कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं क्या अपन इसको चैप्टर थ्री कर देते हैं इसको चैप्टर टू कर देते मतलब सीक्वेंस ही नहीं बनाएंगे क्यों सर ताकि हम स्टूडेंट को कंफर्ट ही नहीं आए आईसीआई मॉड्यूल पढ़ के उसको लगना ही नहीं चाहिए अपनी बुक है अपन ऐसा खेल खेल लेते तो सर इंस्टीट्यूट ने क्या किया है जो थर्ड वाला चैप्टर है बेयर एक्ट का और सेक्शन के सीक्वेंस में भी उसको सेकंड में उन्होंने डाल दिया क्योंकि उनको लगा कि भैया ये जो चैप्टर है ना सेकंड में आना चाहिए ज्यादा लॉजिकल होता है ठीक है हर किसी का लॉजिक का अलग लॉजिक होता है <laughs> वंदन कहता है वाह बेटे मौज कर दी ठीक है ग्रेट सुनो तो सर डायरेक्टर्स का ये तीन चैप्टर है जो अपने को शुरू करना है ये तीन चैप्टर करने में आपको पता है कम से कम बारह दिन जाएंगे और ये तीन चैप्टर का ही बहुत बड़ा खेल है सर इसमें इतना टेक्निकल क्वेश्चन पूछने लग गया है इंस्टीट्यूट की जानी निकल जाती है ठीक है तो सर तीन चैप्टर है आराम से हमारे पास बारह दिन है हम बारह दिन देंगे आज शुरू करते हैं सर चैप्टर वन मैं पूरा नाम लिख रहा हूं देख लो और सुन लो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स सर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स आपको नाम याद करना पड़ेगा सर चैप्टर का क्यों नाम याद करना पड़ेगा मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों याद करना पड़ेगा क्योंकि रूल्स का नाम भी इससे रिलेटेड होता है बट सर चैप्टर का नाम क्या है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स जैसा मैंने आपको बताया सेक्शन वन से सेक्शन वन तक जाता है आज की क्लास में सर अगर अपन सेक्शन वन बस पढ़ ली है ना तो बहुत है पार्टी ठीक है अब सर सेक्शन 149 जो है क्शन के अंदर सर एक कॉन्सेप्ट होता है उसको कहते हैं उसके अंदर और पॉइंटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्लॉज और उसके अंदर और पॉइंटर्स होते हैं हैं उसको हम कहते सब क्लॉज सर ये सब आपने आईपीसीसी में पढ़ा है सीए फाइनल का कंटेंट नहीं है बट मैं चाहता हूं जो लोग भी स्टूडेंट नहीं जानते उन सबको कंफर्ट आ जाए तो सुनते जाओ तो सर ये हो गया सेक्शन इसके नीचे हो गए सबसेक्शन इसके नीचे हो गया क्लॉज इसके नीचे हो गया सब क्लॉज सर मैं आपको बताऊं सी ए फाइनल में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें आप सेक्शंस तो याद करोगे ही साथ में आपको सब सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे भले आप क्लॉज मत याद करो पर कसम से बता रहा हूँ सर एक दो जगह ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आपको क्लॉज भी याद करना होगा एक दो जगह पूरे पूरे कोर्स में मैं बता रहा हूँ एक दो जगह ऐसा आएगा जहाँ पे मैं आपको क्लॉज भी याद करवाऊंगा लेकिन उसके अलावा सर हर जगह सेक्शंस याद करने काफ़ी सारे जगह सब सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे क्योंकि सर अगर आपको एक्सेप्शनल मार्क्स चाहिए ना लो में

अब सर जैसे आप शेयर होल्डर और जनरल मीटिंग पढ़ते रहे ना वैसे आप सीए फाइनल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में पढ़ते रहोगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है सर हर कंपनी में हमारे में एग्जाम्पल तुम देखना रिलायंस लिमिटेड का एग्जाम्पल तो मैं ऐसे लूंगा जैसे रिलायंस मेरी खुद की कंपनी है ठीक है मैं कौन मुकेश अंबानी मुक्कू भाई वैसा एग्जाम्पल मैं लूंगा पर सर रिलायंस कंपनी रिलायंस लिमिटेड विल बी ब्रॉडली आर एग्जाम्पल अब मेरे को एक बात बताओ रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है ठीक है सर ये कंपनी में पैसे किसके लगे मुकेश अंबानी मत बोलना मुकेश अंबानी और बाकी शेयर होल्डर्स के पैसे लगे हुए हैं रिलायंस लिमिटेड में अब सर ये जो मुकेश अंबानी और शेयर होल्डर्स हैं इनकी मिला के तादाद कितनी होगी पॉपुलेशन कितना होगा सर ये करोड़ों में होंगे सर पॉपुलेशन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विल ऑफ ऑफ रिलायंस विल बी इन ठीक है नाउ इफ यू इफ रिलायंस ओपन से जिसके पैसे लगे हुए कंपनी में तुम आकर के कंपनी चला लो तो मैं एक शेयर होल्ड करता हूं मैं पहुंच जाऊंगा भाई मेरे को कंपनी चलाने का क्यों मैंने एक शेयर होल्ड करता हूं मैं तो सर ऐसे कंपनी नहीं चलती कंपनी चलाने के लिए यू नीड अ ग्रुप ऑफ साउंड एंड टेक्निकल पीपल हु हैव दैट यू नो विजन एंड यू नो द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टू रन अ कंपनी सो व्हाट विल हैपन इज दी शेयर होल्डर्स जिनके पैसे लगे हैं वो इस कंपनी में कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे जिनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको हम कहते हैं डायरेक्टर्स और ये डायरेक्टर्स की जो कलेक्टिव बॉडी है इन सबको मिलाकर के हम क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या सर वो ग्रुप वो डायरेक्टर्स जो मिल करके कंपनी को चलाएंगे इन ऑन बिहाफ ऑफ दी शेयर होल्डर्स बिकॉज सर शेयर होल्डर्स इतनी तादाद में है कि वो खुद आकर के कंपनी नहीं चला सकते इसलिए सर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है सर अच्छा लग रहा है और बताओ ना और क्या कारण है क्यों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए हमको हमारी कंपनी में सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसलिए भी चाहिए आपको कंपनी में क्योंकि भाई सुन एक तो हो गई कि तुम्हारे शेयर होल्डर्स इतने सारे हैं दूसरा हमारा जो सेक्शन 149 फोर्टी नाइन है ना वो कहता है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो भाई जब लॉ ने लिख दिया सीधा सीधा कि कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो तुमको चाहिए नहीं चाहिए रखना ही पड़ेगा क्योंकि तुम एक कंपनी हो तुमको एक्ट एप्लीकेबल है तो तुमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए लिख दिया है तो तुमको चाहिए सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक और कारण होता है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों चाहिए होते है सर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है

आप उसको एजेंट भी बोल सकते हो और ट्रस्टी भी बोल सकते हो सर आप क्या बोले जा रहे हो एजेंट भी बोल सकते हो ट्रस्टी भी बोल सकते हो क्या मतलब है बता रहा हूं ना भाई सुनो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुनो 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 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और रिलायंस के बीच में क्या रिलेशन है सर आप देखो मैं सीधी बात बता दे रहा हूं आज पहली दिन है मतलब आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि सर देखो हमारा एग्जाम पास में है और मेरे को ना एनीथिंग बट रेलिवेंट कंटेंट चाहिए एनी थिंग बट रेलिवेंट कंटेंट मतलब जितना मेरे लिए काम नहीं उससे एक शब्द ज्यादा मत बताना नहीं बताऊंगा ठीक है नहीं बताऊंगा जितना काम नहीं है या तो हर एक चीज जो मैं बता रहा हूं ना ऐसे मत सोचना आप तो, नहीं सुन लो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना वो रिलायंस का क्या है समझो हम आपके है कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिलायंस को बोल रहे हैं हम आपके हैं कौन

प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशन होता है एक कंपनी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में चलो सर एजेंट समझ आ गया ट्रस्टी मतलब क्या होता है सर ट्रस्टी मतलब क्या समझना जब रिलायंस जो है वो उसके सारे असेट्स हैं उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो मैनेज कौन करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो सर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रिलायंस की प्रॉपर्टीज वो सारी चीजें फिड्यूसरी कैपेसिटी में कैपेसिटी कैपेसिटी मतलब भरोसे भरोसे के दम पे की में होल्ड करेंगे और उसको इस तरीके से मैनेज करेंगे जैसी खुद की प्रॉपर्टी है जब तक वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे मतलब सर आज के डेट में अगर रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मुकेश अंबानी है जो कि है तो मुकेश अंबानी रिलायंस के प्रॉपर्टीज़ को ट्रस्टी के कैपेसिटी में भरोसे के कैपेसिटी में होल्ड करेंगे जब तक वो डायरेक्टर बैठे हुए हैं तो है, है, दोनों होता है मतलब एजेंट भी हो तुम और साथ में ट्रस्टी भी हो तुम ठीक है तुम ही हो माता तुम ही पिता तुम ही हो सुनो सर बकवास सुनो 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 सर अब आप समझ गए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों चाहिए होता है और डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स होते हैं अब सर मैं आपको थोड़ा सा चीज बताना चाहता हूं डायरेक्टर्स कितने तरह के डायरेक्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं तो सर सबसे पहली चीज हम बात करेंगे सबसे पहले दो डायरेक्टर्स के बारे में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या मतलब होता है सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर एग्जीक्यूटिव हिंदी में बताता हूं पहले सुनो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मींस दैट डायरेक्टर डायरेक्टर सर आप हिंदी में बताओगे बोले थे अच्छा सुनो एग्जीक्यूटिव मतलब वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी का एम्प्लॉई भी है मतलब क्या सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो कंपनी में रोज रोज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्व होता है काम करता है एग्जांपल दूंगा रुक जाना

वहां पे मतलब जो जीवी के में मुंबई एयरपोर्ट में जब मैं काम करता था तो सर जब ना कोविड हुआ कोविड हुआ ना तो पूरे एयरपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लॉस हुआ एयरपोर्ट इंडस्ट्री एयरलाइन इंडस्ट्री तो सर पैसे आने बंद हो हो गए कैश क्रंच गया की सैलरी रुक गई अब सर कैश फ्लो मैनेज करना है कंपनी का तो सर जो हमारी कंपनी का सीईओ है ना ही यूज टू वर्क विदिंग डायरेक्टर टू इंश्योर कि भैया हमारी कंपनी का कैश फ्लो कैसे आएगा रही बैंक से लोन ले लेते हैं इन लोग को पेमेंट बना कर देते हैं या जो भी तो सर ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना Although he is a member of board of director, but he is getting involved in the day to day operations. उसको फर्क पड़ रहा है कि यार कंपनी में क्या हो रहा है and he is responsible for that particular thing. But sir जो जो कंपनी में मान लो independent director है या जो और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो लोग क्या करेंगे पता है वो ये सब डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे वो बस उसके अगली वाली बोर्ड मीटिंग में आएंगे बोलेंगे अच्छा कैश फ्लो क्रंच हुआ तो अच्छा तुमने ऐसा किया ठीक है अच्छा अच्छी बात है अच्छा तुमने गलत किया नहीं चलो ये पॉलिसी बनाओ कि आज से तुम ये नहीं कर सकते तुमको ऐसा करना पड़ेगा तो सर एक ब्रॉडर जो लोग देखते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और जो ग्राउंड लेवल पर चीजें वो देखते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं अब सर आपको थोड़ा सा बस एग्जाम्पल में लिखवा दू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है एम डी डब्ल्यू टी डी और सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं आपके आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान मान लो लो या फिर नॉमिनी डायरेक्टर्स सर ये सब क्या होता है सब समझाएंगे कहीं नहीं जाना है दिल्ली बहुत दूर है अभी अभी तो तो हमने चलना शुरू किया चल चल के दिल्ली पहुंचना है सुनो सर डायरेक्टर्स तो मैंने बोला दो तरह के होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब मैं आपको दूसरे कैटेगरी के तरीके से डायरेक्टर्स बताता हूं सर सुनो कंपनी लॉ कहता है कि भैया हमको ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ वुमेन वुमेन डायरेक्टर्स भी चाहिए मतलब सर, मतलब कैसे डायरेक्टर डायरेक्टर क्या समझाने वाली चीज है है कोई बस इतना कि जो है, वो एक लड़की होनी चाहिए एक वुमेन होनी चाहिए ये हमको चाहिए ऐसा क्यों सर क्योंकि सर मैं आपको सच बता रहा हूं एक कमेटी की रिपोर्ट थी जो कहती है अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वुमेन डायरेक्टर बैठेगी ना तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एथिक्स और स्ट्रॉन्ग होगा मतलब वो जो फ्रॉड कमिट करते हैं ना उसके चांसेस थोड़े कम होंगे तो इसलिए हमको चाहिए कि हर बड़ी कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए ठीक है सर सर सुन लिया समझ लिया समझ उसके बाद सर, वो कहते हैं हमको ना हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक रेसिडेंट डायरेक्टर भी चाहिए एक रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब क्या सर वो बंदा जो इंडिया में 182 एटी टू डेज से ज्यादा स्टे करता है इन दी इन दी करेंट फाइनेंशियल ईयर हमको एक रेसिडेंट डायरेक्टर भी चाहिए ऐसा क्यों सर देखो क्या होता है बहुत सारी बाहर की कंपनी आती है इंडिया में कंपनी खोलते हैं बाहर के सारे डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड में कंपनी फ्रॉड करती है सारे डायरेक्टर्स जाते हैं तुम पकड़ोगे किसको तुमको चाहिए भैया एक तो रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए कहां भगेगा तू तेरे को हम पकड़ लेंगे ठीक है तो सर एक रेसिडेंट डायरेक्टर भी इन्होंने बोला बोर्ड में होना चाहिए इसके आगे जाके इन्होंने बोला कि भैया हमको ना कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चाहिए बोर्ड में सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगा नहीं मैं आपको एक बार बस सवाल पूछूंगा सर अगर रिलायंस की बात हो रही है तो क्या मुकेश अंबानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है सर बिल्कुल भी नहीं

हाँ सर ऐसा कुछ सुना तो था लेकिन लोग बोलते भी है पढ़ लो लेकिन हम ना ना पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी सर एक सत्यम स्कैम करके एक स्कैम हुआ था बहुत बड़ा स्कैम था सर आज तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्कैम था मैंने एक वर्ड बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हुआ था सर वन फाइन डे वन फाइन डे रामलिंगम राजू जो इस सत्यम के फाउंडर थे जो सत्यम के चेयरमैन थे ओनर थे बिजनेस जिनका जो भी था जो रामलिंगम राजू थे वन फाइन डे एंड सेड इन मीडिया दैट भाई मैं बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा हूँ बड़ा है इतना नुकसान है 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 ये बैलेंस शीट इन्फ्लेटेड फलाना ढिमकाना सब अपनी गलतियां खुद से बोला तो सर जिस दिन सत्यम स्कैम हुआ ना तो बहुत सारे लोग चलो अरेस्ट करते चलो इन्वेस्टिगेशन करते फलाना ढिमकाना कुछ लोग बैठ करके ये भी सोच रहे थे कि भाई ये तो आज रामलिंगम राजू ने सामने से आके बोल दिया कि भैया हम ना फ्रॉड कर रहे हैं लेकिन अगर ये सामने से आके नहीं बताता तो ये कितने साल तक चल सकता था तो सर बहुत साल तक चल सकता था वो तो मेहरबानी उसकी कि उसने सामने से आके बता दिया इसका मतलब ये सर कि एज ऑन 2008 ये स्कैम 2008 हुआ था एज ऑन 2008 वी डू नॉट हैव अ साउंड मैनर टू इंश्योर दैट की कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है तो बाहर कोई आकर के बताए ऐसा हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है तो सर इन्होंने सोचा कि भैया हमने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो जिसको कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको सर फर्क पड़ता है कि जो शेयर होल्डर्स है उनके पैसे बढ़ने चाहिए वो ग्रो होने चाहिए और कंपनी एथिकली रन करे उनसे फर्क पड़ना चाहिए और कोई फर्क नहीं पड़ता उनको तो सर तब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन आया तो हमको पढ़ना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक कंपनी कौन सी कंपनी में होने चाहिए कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और क्या हो बाकी सब चीजें तो सर जैसा कि सही बोला वंदन ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कोई तो भी बाहर वाला चाहिए जिसको उसका थोड़ा सा रेम्यून मिलता है और उसका काम सिर्फ इतना है कि भाई मैं बैठ करके देखू कि ज्यादा कुछ गलत नहीं हो रहा है कंपनी में इसीलिए वो डे टू डे अफेयर में नहीं इन्वॉल्व होता है वो ब्रॉड ओवरव्यू में रहता है और हर जगह देखता है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुनो 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 अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी से रिज़ाइन करते हैं ना मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है और न्यूज़ आ गया कि अरे इस कंपनी का ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से कोई भी एक डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया और रीज़न नहीं बताया तो सर हंगामा हो जाता है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों रिज़ाइन किया अगर कोई जेनुअन रीज़न होता तो वो तो बता देता कि अरे मैं बूढ़ा हो गया काम नहीं कर पा रहा हूँ मेरे को बेटर जॉब मिल गई ऐसा कुछ तो भी बता देता लेकिन बिना बताए रिज़ाइन किया है मतलब कुछ तो भी फ्रॉड है और पब्लिक प्रेशर में आ कर के और वहां के लोगों के प्रेशर में आके नहीं बता पा रहा है तो सर

समरी नोट्स बने हुए हैं एकदम मस्त नोट्स है ये सब मैं लिख रहा हूं ताकि आपको भी लगे कि अरे हाँ कुछ हो रहा है और आप भी लिखो रफ में ताकि आपका अटेंशन बना रहे लेकिन जरूरी नहीं पूरा सजा समेट के तीन चार पेन यूज करके लिख रहे हो बस लिखते जाओ आराम से ठीक है पर मैं तीन चार पेन यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए लिएजी है ठीक है सर सुनो 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सर इन्होंने बोला सब सेक्शन वन से मैं शुरू करता हूँ वन फोर्टी में ये बताने वाले हैं कि भैया कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए कौन होने चाहिए क्या रिलायंस की बात करें तो एक, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया सर, उसमें काफी सारे लोग हैं मेरे को एक चीज बच बताओ रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मुकेश अंबानी नीता अंबानी चार पांच और लोग हैं सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो कंपनी है ना वो बोले मैं जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर बनके बैठूंगा तो सर क्या वो बैठ सकता है कैन अ कंपनी बी अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अ कंपनी बी अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं, मैंने बोला नहीं भाई टाटा तू कैसे बैठेगा तो टाटा कंसल्टेंसी बोला कि भाई जब मैं शेयर होल्डर बन सकता हूं किसी और कंपनी में तुमने आईपीसीसी में बताया था कि मैं शेयर होल्डर बन सकता हूँ तो जब मैं शेयर होल्डर बन सकता हूं तो मैं डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकता भाई शेयर होल्डर अलग चीज होती है उसको सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं डायरेक्टर को असल में काम करना होता है और हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया ही इसीलिए है क्योंकि रिलायंस जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो आर्टिफिशियल का काम पर्सन का काम करने के लिए एक आर्टिफिशियल पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा दे क्या नहीं भाई तो इन्होंने बोला नहीं सर हम ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सिर्फ इंडिविजुअल्स को बैठाएंगे, कोई आर्टिफिशियल नहीं बैठेगा तो सर शुड ऑफ डायरेक्टर अब सर सवाल ये होता है एक में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए कुछ तो तुम लिमिट तो सर ठीक है बोले लिमिट देते कंपनी में ना पंद्रह डायरेक्टर होने चाहिए अरे भाई दो करोड़ टर्न ओवर है कंपनी का कहां से पंद्रह डायरेक्टर की सैलरी निकालेगा मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए होते हैं और सर ये जो मिनिमम का क्राइटेरिया है ना इन्होंने बोला देख भाई अगर एक वन पर्सन कंपनी है मतलब उस में एक ही शेयर होल्डर है और अगर हम बोलते कि भैया उस कंपनी में ना चार डायरेक्टर होने चाहिए तो सेंस नहीं बनेगा तो हमको मिनिमम नंबर जो है ना कंपनी के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसलिए सर इन्होंने बनाया पब्लिक कंपनी में तीन डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में दो डायरेक्टर और वन पर्सन कंपनी में एक डायरेक्टर अब सर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स सुनो आप लोग सोच रहे हो कि सर देखो ये जो बैच है ना मतलब ये हमको ना कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े आते हैं जो लोग पढ़े हुए हो तो आप लोगों को लगेगा सर बहुत स्लो जा रहे हो थोड़ा मतलब एकदम तेजी तेजी से करो ना करेंगे एक बार फ्लो बन जाने दो सारे स्टूडेंट्स का फिर अपन करेंगे आप बस सुनते जाओ बेसिक्स है इसलिए आपको आ रहा है इतने ही प्यार से अगर मैं तुमको सेबी और फेमा पढ़ाऊंगा ना तब तुमको नहीं लगेगा आता है ये तो है पढ़ने के बाद अपना लगने लग जाता है इसलिए तुमको लग रहा है आता है लेकिन पेशेंस रखो तुमको तुम्हारी पेस मिल जाएगी अभी सुनने दो सबको सर मिनिमम क्या है कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स मिनिमम कितना होना चाहिए पब्लिक कंपनी में तीन प्राइवेट में दो और वन पर्सन कंपनी में एक डायरेक्टर होना चाहिए और सर मैक्सिमम कितने होते हैं मैक्सिमम कितने होने चाहिए अगर 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 ये बोल देते पचास साठ सौ तो बहुत दिक्कत हो जाती सर क्यों क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए ताकि डिसीजन ले पाए ऐसे नहीं एकदम भरे पड़े लोग तो सर इन्होंने बोला कि मैक्सिमम जो है 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स मतलब सर एक कंपनी में मिनिमम थ्री टू या वन डायरेक्टर्स हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम फिफ्टीन डायरेक्टर्स हो सकते हैं सर मेरी कंपनी है रिलायंस आपको एक चीज बताओ रिलायंस का टर्न कितना है है पता पिछले साल का रिलायंस का टर्नवर है हाँ, तुमने सही पढ़ा लाखों करोड़ों जो कहते हैं ना लाखों करोड़ों में कमा रहा है तो वैसे रिलायंस का टर्नओवर लाखों करोड़ों में है अब रिलायंस कहता है कि भाई मेरे इतने लाखों करोड़ों का धंधा है मेरा पंद्रह डायरेक्टर में क्या काम होगा मेरे को और डायरेक्टर चाहिए अपॉइंट करने का तो लॉ ने बोला देख भाई हमारा काम है

शेयर होल्डर्स की मीटिंग में तीन रेजोल्यूशन होते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब क्या सर जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसमें फिफ्टी परसेंट से ज्यादा लोगों ने अप्रूव कर दिया तो वो हो जाता है सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब सर अगर हम अभी क्लास में दो सौ बच्चे हैं तो दो सो में से हंड्रेड वन पीपल इफ दे देग्री टू अ प्रपोजल देन इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास

मतलब सारे शेयर होल्डर हाँ कर दे ऐसा थोड़ी हो सकता है होता है सर जो चीज कंपनी लो आपको करने नहीं देना चाहती ना उसमें बोलती स्पेशल रेजोल्यूशन यूनानिमस रेजोल्यूशन करवा लो उनको पता है पास तो होना नहीं है एक तो मेरे जैसा इंसान जाएगा बोलेगा समझ वमझ कुछ आ नहीं रहा है क्या हो रहा है मीटिंग में बोलेगा करना है नहीं जैसे मान लो तारक मेहता का पोपट लाल पहुंच गया क्या कैंसिल का, करो ये प्लान नहीं करना है अपने को तो सर यूनानिमस रेजोल्यूशन होता है लॉ में दो तीन जगह है जहां यूनानिमस रेजोल्यूशन लिखा है हम पढ़ेंगे भी और यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब होता है हंड्रेड परसेंट तो सर वापस आ जाते हैं में अगर आपको एक कंपनी बनानी है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए इंडिविजुअल होगा मिनिमम टू मैक्सिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए अगर आपको पंद्रह से ज्यादा डायरेक्टर्स चाहिए ना तो तुम रख लो तुमको बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा ठीक है सर अब सर देखो मैं कहा बॉक्स बना रहा हूं ये जो पंद्रह डायरेक्टर है और जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाला प्रोविजन है ना दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू टू टाइप्स ऑफ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन एट कंपनी सर क्या बोल रहे हो सर क्या होता है ना कभी 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 ना क्या होता है लॉ बन जाते हैं लॉ में ना लॉ बन जाने के बाद समझ आता है अरे ये प्रोविजन जो है ना गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं कर सकते क्यों बोले सर पंद्रह डायरेक्टर शेयर होल्डर का अप्रूवल ये नहीं चाहिए अपने को का, गुण्ण कम्पनी, गुण्ण कम्पनी अलग से रेगुलेट हो रही है तो अपने गवर्नमेंट कंपनी के लिए तरह का एनपीओ है जो क्या एनपीओ मतलब क्या सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो लिटरली कंपनी के सेक्शन एट के अंडर रजिस्टर्ड है उनको कहते हैं सर सेक्शन एट कंपनीज़ अब सर जो सेक्शन एट गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी है ना ये मैं तुमको बता देता हूं पूरे सी फाइनल में हर जगह ऐसे आके खड़े हो जाएंगे उंगली करने के लिए बोलेंगे यहां पे तुमने मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन एट कंपनी का यही चलता रहेगा ठीक है थीके? तो सर जो ये जो प्रोविजन है ना कि एक कंपनी में पंद्रह डायरेक्टर होने चाहिए और अगर पंद्रह से ज्यादा आपको चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ये प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज एंड सेक्शन कंपनीज सर गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है हमारे कोर्स में है आगे हम पढ़ेंगे लेकिन सर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके आंसर के क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं जो स्टूडेंट्स नहीं करते क्या होता है सर

Not और 8 को, पर सर वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, लेकिन लो, एक गवर्नमेंट कंपनी है अब एल आई सी पूछ रहे कि भाई मेरे को मैक्सिमम फिफ्टी डायरेक्टर्स और अगर फिफ्टीन डायरेक्टर्स से ज्यादा चाहिए तो क्या ये दोनों प्रोविजन एप्लीकेबल होगा तो सर मैंने बोला नहीं पर अप्रूवल तेरे को एग्जेम्शन एप्लीकेबल है मतलब तेरे को यह

सेक्शन 92 कहता है कि भैया एक ना एनुअल रिटर्न नाम की डॉक्यूमेंट बनेगी जिसमें तुम कंपनी ने पिछले साल कैसा काम किया वो पूरा चिट्ठा लिखोगे कि कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स है कंपनी के कितने डायरेक्टर्स है कंपनी पे कोई केसेस आए हैं क्या कंपनी के सारे डिटेल्स आपको सॉरी 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 मैंने क्या लिखा यहां पे मैंने सॉरी 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 ठीक है थैंक यू थैंक यू यहां मैंने करेक्ट लिखा हो जाता है यार सुनो सेक्शन 92 और 137 सर सेक्शन 92 और 137 में क्या डिफरेंस है सुनो सर सेक्शन 92 कहता है भाई एनुअल रिटर्न नाम की एक डॉक्यूमेंट होती है जो हर कंपनी तुमको बनानी पड़ेगी और एनुअल रिटर्न जो है तुमको सबमिट करना पड़ेगा आर के पास आरओसी के पास आरओसी कौन होता है सर आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक डिविजन है आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा करवाना पड़ेगा एनुअल रिटर्न सर कब तक जमा करवाना पड़ेगा मान लो सर फाइनेंशियल ईयर टू और ट्वेंटी आपका खत्म हुआ तो ट्वेंटी जब खत्म हुआ ना तो उसके बाद आप एनुअल जनरल मीटिंग बुलाओगे क्या बुलाओगे एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में एक बार मीटिंग बुलाते हो इन द नाम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग तो सर आप एनुअल जनरल मीटिंग बुलाओगे और जिस दिन आपका मीटिंग खत्म हो जाएगा ना उसके साठ दिन के अंदर अंदर आपको ये रिटर्न बना करके आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा सो एन एनुअल रिटर्न डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी डेज फ्रॉम और एजीएम शुड है और सर वन क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट

अगर तुमको एक्जेम्पन चाहिए अगर तुमको बचना है इस प्रोविजन से तो तुमको 92 और 137 का करना पड़ेगा अगर तुम नहीं करेगा ना तो तुमको हम, तुमको हम हम नहीं देंगे दिस इज जस्ट टू इंश्योर दैट यू कीप कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ एनअल एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हेंस दैट कंडीशन बट सर इन्होंने बोला सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन वी विल इंश्योर दैट गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन एट कंपनी एप्लीकेबल नहीं है सर क्या गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन एट कंपनी को मिनिमम

सर प्रोवाइजो मतलब क्या होता है सिंपल शब्दों में बोलू ना तो प्रोवाइजो मतलब लॉ की गलतियां होती है मतलब क्या सर लॉ ने पहले ऊपर होशियारी में तो लिख दिया कि भैया कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए इंडिविजुअल होना चाहिए मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना अब सर लोगों से गालियां हाँ पढ़नी शुरू हुई कि भाई ये तुमने कैसे लिख दिया मेरे लिए तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है मेरे लिए ये प्रोविजन रेलिवेंट ही नहीं है तो फिर वो होशियारी मार के प्रोवाइजो बनाते हैं कि भैया प्रोवाइडेड दैट अगर तुम गवर्नमेंट कंपनी हो या सेक्शन एट कंपनी हो तो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है

सेकेंड रुक जाओ तुमको बेराक भी दिखाई देता हूं आओ। रुको एक सेकेंड हाँ जी सर सुनो 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 बेराक पढ़ेंगे बेराक पढ़ेंगे जी रिशित करेक्ट आर राइट right.

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है सर जब एक कंपनी फॉर्म होती है तो उसके दो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं आपको पता है एओए और एमओए तो सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना उसमें उसमें एक कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है सुनना रिलायंस ने सोचा कि भैया देखो रिलायंस ने सोचा कि सोचा कि देखा रिलायंस ने सोचा कि सर देखो

मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मेरे घर में पापा सुप्रीम है अगर कुछ भी टाइम टू बी बैक ठीक है पापा फेयर डील तो अब जब मैं बाहर जा रहा हूँ और पापा ने ऐसा बोला तो जाते जाते मम्मी ने बोला कि अरे यार बाहर कहाँ खाएगा खाना वाना नहीं मिलेगा तो घर आ जाना तू ना नौ बजे घर आ जाना और नौ बजे घर आकर के खा लेना तो क्या मम्मी ऐसा बोल सकती है नौ बजे आ जाना बिल्कुल बोल सकती है यार जब सुप्रीम अथॉरिटी ने ग्यारह का टाइम दिया था तो तुम उसको कम कर सकते हो क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी खुश ही होगा अगर नौ बजे वापस आ रहो। पर क्या मम्मी ये बोल सकती है अरे कोई बात नहीं पापा तो कहते रहते तू ना आराम से रात को दो बजे आना नहीं भाई सुप्रीम अथॉरिटी ने बोल दिया ग्यारह तो तुम भले ग्यारह के पहले का कुछ भी बोल लो ग्यारह के बाद का नहीं बोलना तो उसी तरीके से सर जो कंपनी का मेमोर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है इट कैन मेक लॉ मोर स्ट्रिक्ट एंड मोर टुवर्ड्स दी थॉट प्रोसेस ऑफ लॉ बट नॉट अगेंस्ट इट तो सर बारह डायरेक्टर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तुम लिख सकते हो अब सर मेरी एक बात सुनो एक बात सुनो कि अगर रिलायंस ने लिख दिया मेरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैक्सिमम बारह डायरेक्टर्स हो सकते हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट पता है सर फ्रॉम यूर आई अगर एक आर्टिकल का कोई क्लॉज आपको अमेंट करना है ना जब मैं आर्टिकल बोलू तो प्लीज दिल पे मत लेना वो तुम जो आर्टिकल हो वो वाले आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा हूं ठीक है तो सर आर्टिकल सुनो ना बारह बारह इन्होंने लिख दिया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बारह डायरेक्टर होने चाहिए आपको पता है आर्टिकल अमेंड करने के लिए क्या लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है अगर आपको आर्टिकल अमेंड करना है और आपको यह भी पता है सर कि पंद्रह से ज्यादा डायरेक्टर अगर आपको अपॉइंट करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है भूल जाओ गवर्नमेंट कंपनी भूल जाओ सेक्शन एट कंपनी हम बात करते हैं रिलायंस की ठीक है प्लीज मेरा एग्जाम का सवाल है प्लीज मेरा सवाल सुन लो सर अगर रिलायंस के पास आज के डेट में दस डिरेक्टर्स हैं टेन डिरेक्टर्स एंड इट वॉन्ट्स टू एड वन मोर डिरेक्टर टू लेवन डू यू थिंक इट नीड्स टू डू एनी स्पेशल रेजोल्यूशन दंसर इज नो क्योंकि सर ग्यारह जो है वो ये बारह के लिमिट के अंदर भी है पंद्रह के लिमिट के अंदर भी है तो अपने को कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लगेगा वन स्टेप अहेड यू वॉन्ट टू एड वन मोर डायरेक्टर टू टेक इट टू ट्वेल्व डू यू नीड स्पेशल रेजोल्यूशन द आंसर इज अगेन नो कि भैया नहीं लगेगा क्यों क्योंकि आर्टिकल में भी बारह अलाउड है और लॉ में भी मैक्सिमम पंद्रह का है अब मेरे को अगर एक और डायरेक्टर एड करना है टू मेक थर्टीन डायरेक्टर्स डू आई नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज माय क्वेश्चन आंसर इज यस

ये पंद्रह की लिमिट को सिक्सटीन में ले जाने के लिए और दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा ये जो पंद्रह मैक्सिमम लिमिट है ना ये की लिमिट के अंडर अप्रूवल लेने के लिए तो बेसिकली सर देखो आपको अब दो जन रोक रहे हैं एक तो लॉ भी रोक रहा है और आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी रोक रहा है तो आपको दो अलग अलग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा वन स्पेशल रेजोल्यूशन टू अमेंड दी एंड दी अदर वन टू

एक्ट ने बोला कि भैया हमको कंपनी में ना हमको कंपनी में कंपनी में हमको कुछ ना वुमेन डायरेक्टर भी चाहिए क्यों सर मैं ना आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं ये देखो रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है ये चार्ट आप देखो रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बार बस स्क्रॉल करो कितने लड़के हैं टोटल कितना है गिनो कि और लड़के कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 8

हर कंपनी में एक विमेन डायरेक्टर तो चाहिए लेकिन भाई एक बात बता अगर तुम ऐसे उठ उठ के बोलते रहो कि भैया हमको विमेन डायरेक्टर चाहिए हमको रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए पैसे कौन भरेगा डायरेक्टर का हाँ तुम आकर के तुम हमको सब्सिडी दे रहे हो डायरेक्टर्स के पैसे में नहीं ना तो लॉ ने बोला देखो हम ना ऐसे ही किसी भी कंपनी पे नहीं अप्लाई कर सकते कि भैया वुमेन डायरेक्टर लाओ ये डायरेक्टर लाओ वो डायरेक्टर लाओ तो सर जब हम ऐसे कोई स्ट्रिक्ट प्रोविजन लाते हैं ना तो हम वो कंपनीज पे लाते हैं जहां इनकी जरूरत है और जो अफोर्ड कर सकते हैं मतलब क्या सर अगर एक समझना अगर एक प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी मतलब क्या सर एक कंपनी जो क्लोजली हेल्ड होती है मतलब क्या सर? अपन लोग आप और मैं मिलकर के, हम लोग आठ दस लोग मिलकर के कंपनी बना ले रहे हैं भाई मेरे पैसे लगे मतलब हमारे पैसे लगे हैं हमारी कंपनी है हम खुद मैनेज कर रहे हैं तो अगर हम फ्रॉड करेंगे तो किसका नुकसान होगा हमारा तो भैया प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं है तुम बाहर में जाओ जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे कि लिस्टेड कंपनी फॉर एग्जांपल जहां पैसे किसी और के लगे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई और है 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 वहां हमको ये सारे प्रोविजन प्रोविजन की है, की जरूरत होती जैसे कि डायरेक्टर डायरेक्टर तो हमने बोला का जो ना वो हम हर कंपनी को नहीं लगाएंगे हम प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी को लगाएंगे प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी मतलब कौन सेंट्रल गवर्नमेंट इधर आना जरा बताओ कौन प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी होनी चाहिए तो सर अब इन्होंने पावर दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट तू बताओ अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ए जी ओ जी करेगा वो ऑफिशियल गैजेट में क्या लाएगा नोटिफिकेशन और बताएगा कौन सी कंपनी है जिनको विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन लगेगा इन्होंने बोला सर सबसे पहला सुनो अगर कोई भी नया प्रोविजन टेस्ट करने की बात आती है ना तो सबसे पहले

क्या बात कर रहे हो सर पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड क्या बात कर रहे हो हो सकता है ना ऑब्वियसली लिस्टिंग इज एन ऑप्शन पब्लिक कंपनी मतलब क्या अगर अपन 100 200 लोग मिलकर के कंपनी कंपनी बना देते हैं तो वो शायद पब्लिक है वो पब्लिक कंपनी के नाम पे हमने रजिस्टर करवा लिया अब जब एक पब्लिक कंपनी उसके पास ऑप्शन है कि उसको मार्केट में लिस्ट होना है कि नहीं होना है ठीक है तो सर पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है ना उसमें इन्होंने बोला हर कंपनी को नहीं एप्लीकेबल करेंगे हम इनके लिए दो लिमिट बताएंगे एक पेड ऑफ शेयर कैपिटल का एक टर्न का सर पेड ऑफ शेयर कैपिटल का और का लिमिट बताएंगे अगर ये लिमिट के ऊपर है ये लोग तो हम क्या करेंगे तो हम आपके लिए प्रोविजन एप्लीकेबल करवा देंगे इन्होंने बोला पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन इक्वल टू हंड्रेड करोड़ और टर्न ऑफ मोर देन इक्वल टू थ्री करोड़ मतलब सर सुनो विमेन डायरेक्टर अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल है अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो तो देखो आप कोई और पब्लिक कंपनी हो क्या अगर आप कोई और पब्लिक कंपनी हो तो आपका पेड ऑफ शेयर कैपिटल और टर्न देखो अगर आपका पेड ऑफ शेयर कैपिटल हंड्रेड करोड़ से ज्यादा या हंड्रेड करोड़ है या आपका टर्न ओवर करोड़ से ज्यादा या थ्री करोड़ है तो आपको प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा ठीक है सर बहुत भालो समझ गए अब मेरे को छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं एबीसी लिमिटेड का मेरे को बस सिंपली ये बताओ कि क्या विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा ये सर अदर पब्लिक कंपनी है ठीक है मैं आपको टर्न और मैं आपको पेड ऑफ शेयर कैपिटल और टर्न का अमाउंट बताता हूं लिमिट क्या है सर हंड्रेड करोड़ और मोर लिमिट क्या है थ्री हंड्रेड करोड़ और मोर सर पहला पेड पेडअप शेयर कैपिटल हंड्रेड करोड़ टर्न ओवर टू हंड्रेड फिफ्टी करोड़ इज इट एप्लीकेबल ये सर इट इज एप्लीकेबल क्योंकि दोनों मीट हो रहे दूसरा पेड अब शेयर कैपिटल नाइनटी नाइन करोर और टर्न ओवर फाइव हंड्रेड करोर इज दिस इज दी प्रोविजन ऑफ पेमेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल नो सर वाई बिकॉज ऑल दो टर्न ओवर इज मोर देन थ्री हंड्रेड करोड़ बट पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज लेस दे गलत भी एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज और या तो आपका पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए या तो आपका पेड ऑफ शेयर कैपिटल हंड्रेड करोड़ से ज्यादा या टर्न ओवर तीन हंड्रेड करोड़ से ज्यादा दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अपना काम हो जाता है तीसरा सर पेड अप शेयर कैपिटल 105 करोड़ और टर्नओवर 200 करोड़ इज इट एप्लीकेबल यस सर इट इज एप्लीकेबल बिकॉज़ पेड अप शेयर कैपिटल इज ब्रीचिंग द लिमिट अगर सर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 99 करोड़ है और टर्नओवर 249 करोड़ है तो सर आप 299 करोड़ है तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि दोनों ही कंडीशन मीट नहीं करनी ठीक है ये समझा सर आपको तो हमको विमेन डायरेक्टर चाहिए बोर्ड में हम विमेन डायरेक्टर बैठा देंगे अब सर डायरेक्टर बैठा तो देंगे लेकिन उसके अलावा कोई और कंडीशन है क्या हाँ छोटी छोटी और बातें हैं जैसे कि सर ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है और ये है ये कब का देखेंगे मतलब अभी का परसों का अगले दिन का कब का देखेंगे तो इन्होंने बोला सर ये जो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्न की लिमिट होती है ना हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा आप देखोगे लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से जो भी आपका लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसके हिसाब से आप पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट देखोगे तो सर 80 लोग होंगे कुछ बोलेंगे सर मैं एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करता हूं उसका हम ना क्वार्टरली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं क्वार्टरली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं मतलब क्या हम पिछले क्वार्टर का देखेंगे यही बोलना चाहते हो ना नहीं सर आप जो भी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करते हो जाके देख लेना आप क्वार्टरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो क्यों क्योंकि आप लिमिटेड रिव्यू करते हो आप ऑडिट नहीं करते हो ऑडिट के पूरे स्टेप्स अलग है तो आप लिमिटेड रिव्यू करते हो तो जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स होते हैं ना वो नंबर्स नहीं देखोगे जो आपके एनुअल नंबर्स होते हैं ना वो देखोगे एज एन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब सर कुछ कंपनी खुशी खुशी में कर देते हैं पूरा ऑडिट वो उसको ऑडिट कहते हैं लेकिन ऑडिट होता नहीं है वो वो लिमिटेड रिव्यू ही होता है ठीक है तो सर इन जे, इन जनरल आप कब देखोगे अगर ये फाइनेंशियल ईयर 21 22 है और ये 22 23 है तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप देखोगे एज ऑन थर्टी मार्च टू 22 को क्या बैलेंस क्या पेड कैपिटल और टर्नओवर था अगर वो लिमिट के ऊपर था तो आपको यहां पे विमिट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है और आपको मीट करना पड़ेगा अब सर मेरे को एक बात बताओ अगर मान लो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नीता अंबानी नहीं होती मान लो ये सब मन घड़क कहानी है मान लो नहीं होती या फिर छोड़ो नीता अंबानी रहने दो मैं मानने में भी नहीं मान सकता कि वो नहीं है तो अपन मान लेते हैं कि ये देखो ये नाम देखो अरुंधति भट्टाचार्य जो है अगर अरुणती भट्टाचार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं है सिर्फ नीता अंबानी है ठीक है अब नीता अंबानी का मान लो मुकेश अंबानी से झगड़ा हो गया और बोले मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर छोड़ के जा रही हूं और उसने कर दिया सर रिजाइन

बोर्ड मीटिंग विच एवर इज विच एवर इज बताओ चलो लेटर की अर्लियर सर लॉजिकली बताओ मैं पूछ रहा हूं अगर नीता अंबानी के पोजीशन में वैकेंसी हो गई तो जो फिल करना है उसको नेक्स्ट थ्री मंथ्स में या इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर या अर्लियर कब फिल करोगे सर विच एवर इज अर्लियर देखो आप कुछ लोग बोल रहे हो डब्ल्यू आई ई कुछ लोग बोल रहे हो डब्ल्यू आई टी कितने लोग हैं सर विच एवर इज अर्लियर वाले हाथ उठाओ यश अग्रवाल चाइनीस लिख रहे हैं अच्छा लेटर मत कर यार यश यारेटर सुनो, सुनो. सुनो. सर आंसर इज इज एवर लेटर सर जिसको जिसने अर्लियर बोला सुनो आप लॉजिकली सोचो अगर कल का डेट क्या है ट्वेंटी फोर्थ फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अगर कल के दिन क्या होगा इफ टो वट हैो इज आर बोर्ड मीटिंग ठीक है बिहार बोर्ड मीटिंग और कल बोर्ड मीटिंग है आज नीता अंबानी और मुकेश अंबानी का लड़ाई हो गया और नीता अंबानी ने आज रिजाइन कर दिया तो अगर आप रीड करो आपके अर्लीयर के हिसाब से तो आपको कब भरना है वैकेंसी नेक्स्ट थ्री मंथ्स और इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो कल है एवर इज अर्लियर तो सर अर्लियर तो कल है ना तो आपको कल भरना पड़ जाएगा जो लॉजिकल नहीं है अगर किसी को उंगली करनी होगी ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के एक दिन पहले रिजाइन कर देगा ठीक है तो तो द आंसर इज लेटर सर जब भी आपका बोर्ड मीटिंग जब भी आपको क्या है जब भी आप रिजाइन करोगे उसके थ्री मंथर लेटर सर एक छोटा सा एग्जाम्पल uh, एक छोटा सा एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज मेरे को बता दो एक छोटी सी चीज मेरे को बता दो सुनो सर अगर एक कंपनी सुनो ना प्लीज अगर एक वुमेन डायरेक्टर ने रिजाइन किया सेवनटीन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को कब रिजाइन किया सर सेवनटीन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को एंड The next board meeting, board meeting, next board meeting is on 30th June 2022. तो so, सर बस लॉजिकली बताओ कि जो ये रेजिग्नेशन हुआ जो ये इंटरमीडिएट वेकेंसी हुई इसको कब तक भरना पड़ेगा बाई वेन डू यू सर सिंपल है दोनों लिमिट निकालो पहला लिमिट है थ्री मंथ्स का दूसरा लिमिटेड है लिमिट है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का so, sir, तो सर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्टियथ जून की नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है और सर थ्री मंथ कब होगा फ्रॉम सेवनटीन मार्च सुन भाई

तो सर थ जून और 30th जून विच एवर इज लेटर तो लेटर क्या है सर सर जून जून तो 16th जून तक अपॉइंट करना पड़ेगा नहीं सर, पता है लेटर जो है वो 30th जून है आपको थर्टीए जून तक अपॉइंट करना पड़ेगा थर्टीए जून तक आप अपॉइंट कर दो एक इंटरमीडिएट वेकेंसी भर के ना वेमेन डायरेक्टर के बाद एक और भी चीज बोली कि हमको ना भैया विमेन डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा अपने को ना डायरेक्टर डायरेक्टर भी चाहिए जैसा कि मैंने आपको समझाया क्यों सिर्फ बाहर वाले अगर सब आकर के बैठ जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा काम खराब नहीं होना भाई। अपने को एक भी चाहिए रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब कौन सर वो डायरेक्टर जो इंडिया में स्टे करता है इक्वल टू वन एटी टू डेज होगा सर रेसिडेंट डिरेक्टर मतलब वो डिरेक्टर जो स्टे करते हैं मोर देन वन एटी टू डेज इन दी करेंट फाइनेंशियल ईयर सर एक स्टूडेंट का डाउट था जो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पढ़ते समय नहीं आए सुन लो मेरी बात सुन लो मेरी बात सुनो 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 सर रेसिडेंट डायरेक्टर का फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको स्टेटस देखना है मतलब क्या अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21 22 की बात करूं ना तो मैं पिछले साल का स्टेटस नहीं देखूंगा मैं करंट साल का स्टेटस देखूंगा मतलब क्या सर मेरे को ये इंश्योर करना है कि भैया एक डायरेक्टर तो है जो इस साल इंडिया में रेसिडेंट है मतलब वन डेज से ज्यादा रह रहा है या वन डेज रह रहा है ऐसा नहीं कि भैया कोई भी हम पिछले साल का देख रहे हैं आपको करंट ईयर का ही देखना पड़ेगा इसका मतलब सर करंट ईयर का कैसे देखेंगे हमको कैसा पता चलेगा भाई कंपनी को सब पता रहते है। अगर कंपनी को पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक मुकेश अंबानी है जो इंडिया में रहता है उसके अलावा दुनिया के बाकी सारे लोग बाहर के डायरेक्टर हैं तो कंपनी सेक्रेटरी का क्या काम है उसको देखना पड़ेगा कि मुकेश अंबानी इंडिया में डेज से ज्यादा रहता है अगर नहीं रहना है मुकेश अंबानी तो उनको ऐसा बंदा ला बैठाना पड़ेगा जो इस फाइनेंशियल ईयर में वन डेज से ज्यादा रहा है वरना भैया देख लो प्रोविजन का डिफॉल्ट हो जाएगा नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन बट कंफ्यूज नहीं होना सर यहाँ पे ना रेसिडेंशियल स्टेटस में कोविड के वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिला था क्यों क्योंकि कोविड हुआ था मार्च में और मार्च के पहले जो लोग इंडिया के बाहर गए थे वो इंडिया में, के बाहर फंस गए थे तो वो वापस आ नहीं छह छह आठ आठ महीने वापस नहीं आ पाए तो फाइनेंशियल ईयर एंड में थोड़ा सा रिलीफ मिला था सर आपको याद करने की जरूरत नहीं है मैं आपको एक जनरल चीज बताता हूं जनरली कोविड के रिलीफ को कोविड के रिलीफ को आईसीआई अपने मॉड्यूल में कैप्चर नहीं करता है बिकॉज इट थिंक इट इज अ अंडिपेंडेंट इंटर वेरी यू नो शॉर्ट टर्म थिंग एंड वी डोंट वॉन्ट टू यू नो कीप चेंजिंग इट अगेन अगेन एंड ठीक है अब सर आपको समझ गया विमेन डायरेक्टर फलाना ढिमकाना मेरे को एक छोटा सा चीज करने दो आपके साथ बेराक्ट पढ़ने दो सर सर क्या है ना जितना भी समझ लो में हमेशा नहीं पढ़ूंगा आपको आपको मैं बस एक एक कुछ छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूं इसलिए मैं आपके सामने बेरैक्ट खोला हूं मेरी बात सुनो देर इज अ वेबसाइट विच यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन विच इज बेसिकली एमसीएट गव डॉट इन एमसीए जीओवी डॉट इन अगर सर आपको कल को मेरी बात सुनो अगर कल को लाइफ में कभी भी अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना तो आप लोग क्या करते हो एज अ स्टूडेंट हम टीचर को पकड़ते हैं भाई बता स्टूडेंट को पकड़ते हैं भाई बता नहीं अपने को क्या करना है ई बुक डॉट एम ई बुक एमसीए सर्च करो <coughs> <coughs> कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर खोज खोज के कंपनीज एक्ट तक जाओ खोज के सेक्शन पे जाओ जो भी सेक्शन आपको सर्च करना है जहां आपको लगे कि अरे यार ये अमेंडमेंट हुआ है क्या अब जब आप वहां पे जाओगे ना तो आप देखो कि एज ऑन डेट क्या प्रोविजन है और मान लो अगर कोई ऐसा कंफ्यूजन है कि पहले तो प्रोविजन खोलोगे ना तो पहले 20 हुआ करता था अब ये 25 हो गया ऐसा आपको नीचे नोट भी मिल जाएगा और कब 20 हुआ करता था कब 25 हो गया वो भी आपको पता चल जाएगा और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका अटेम्प्ट मे 2022 है तो आपके लिए आप, अमेंडमेंट कब तक क्या एप्लीकेबल है सर अक्टूबर 21 के सर आपके समरी नोट्स में आपके मॉड्यूल में दिया हो नहीं दिया हो नहीं फर्क पड़ता क्यों सर आपको दिखता है अरे मॉड्यूल में तो ये दिया होता है फिर ये लोग अलग से करेक्शन एडिशन कॉरिजेंडम आर टी कहीं पर भी अमेंडमेंट डालते हैं तो सर आपको परेशान नहीं होना है आपको अगर वो दिख रहा है अमेंडमेंट अक्टूबर ट्वेंटी के पहले हुआ है तो वो अमेंडमेंट आपके लिए अप्लीकेबल है अगर नहीं तो आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है सिमिलरली नवंबर ट्वेंटी आपके लिए अमेंडमेंट कब तक के एप्लीकेबल होते हैं सर आपके लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं थर्टियत अप्रैल तक ये थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल है सर यहां थर्टीएथ अप्रैल तक तो आज भी जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो सारे आपके लिए एप्लीकेबल है मतलब सर उस हिसाब से तो हम अप्रैल के पहले पढ़ ही नहीं सकते नवंबर वाले हाँ तो ऐसे तो तुम आठों सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते फिर छह महीने में पढ़ लेना आठों सब्जेक्ट छोटे छोटे आपको कभी भी समझना कंफर्ट चाहिए बेरैक्ट खोलने का सर ठीक है अब सर एक बार फटाफट रीड मार लो फिर अपन छोटा सा ब्रेक लेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे सर अपन क्या पढ़ रहे सेक्शन वन फोर्टी नाइन कंपनीज टू हैव सिद्धार्थ क्या कोविड रिलीफ याद करना है नहीं लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो आगे चल के एक पढ़ेंगे अपन अगले चैप्टर में सेकेंड चैप्टर में वहां पे एक एमसीक्यू आ गया था बोर्ड कोविड रिलीफ से रिलेटेड तो याद नहीं करने वाली चीज रखो ही मत अगर कुछ सुना है जैसे अभी मैंने आपको बोला कि कोई रिलीफ है कहीं दिख गया तो उसको याद कर लो छोड़ने की जरूरत नहीं है

every other public company having paid up share capital of 100 crore or more or turnover of 300 crore or more or नीचे जो चीजें मैंने आपको बताई सर वो मिल जाएगा अब वापस आ जाओ सेकंड पॉइंट क्या है सर सर सब सेक्शन 1 था बेसिक नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और उसके नीचे कितने आपके आ, कितने आपके विमेन डायरेक्टर होने चाहिए अब सर सब सेक्शन 2 देखो बसेशन टू के बारे में मेरे को आपको एक बहुत छोटी सी चीज बतानी है सबसेक्शन टू कहता है एवरी कंपनी एक्जिस्टिंग ऑन बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट कंप्लाई रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन अब सर सुनो प्लीज सुनो मेरी बात प्लीज सुनो सर क्या होता है ना जब एक नया एक्ट आता है जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया तो सारे जो पहले करना पड़ेगा कि हमने पहली बार बोला, बोर्ड में बैठाना है, तो भाई अगला पढ़ेगा, करेगा, समय लगता है ना तो लॉ ना जब भी कोई नया प्रोविजन या जब नया लॉ आता है तो एक प्रोविजन होता है सर उसको कहते हैं ट्रांजिशन प्रोविजन ट्रांजिशन प्रोविजन मतलब पहले से लेकर के न्यू एक्ट में ट्रांजिशन करने के लिए हम आपको कुछ समय देंगे वो एक साल का समय हो सकता है महीने का समय हो सकता है तो आपको कंपनीज एक्ट में ऐसे बहुत जगह ट्रांजिशन प्रोविजन दिखेंगे जो आपके लिए आज के डेट में जीरो रेलिवेंस है क्योंकि दो 2013 का एक्ट है दो हजार तक तो सारा ट्रांजिशन खत्म भी हो गया आज दो में हमारे लिए ये रेलिवेंट नहीं है सो so, एवरी कंपनी जो ये सेकंड प्रोवाइज है मैं पहली बार और आखिरी बार पढ़ा रहा हूं अगली बार मैं आपको बोलूंगा ये ट्रांजेक्शन प्रोविजन है स्किप कर दो और आपको करना पड़ेगा मेरे साथ ठीक है तो सेकंड प्रोविजन क्या है सेकंड क्या है सर एवरी कंपनी एक्सिस्टिंग ऑनर बिफोर द दमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शिल विद इन वन ईयर कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ठीक है समझ गए एक साल में कंप्लाई कर लेना समझ गए थर्ड 182 182 182 मतलब और more उसको रहना पड़ेगा। Sir, मतलब 182 रहा तो चलेगा क्या? हाँ। जिनको पता है और जिनको आगे समझेगा उनके लिए बता देता हूँ कि फेमा में नहीं चलेगा 182 days अगर रहे हो। उसमें मोर देन यहाँ पे 182 डेज और मोर है सर, अभी याद, याद दिलाऊंगा आपको यहाँ पे ऐसा प्रोविजन था अब सर सुनो 182 एटी टू डेज या उससे ज्यादा आपको रहना है इन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर प्रोसीडिंग नहीं लिखा है सर ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी द रिक्वायरमेंट अंडर दिस अप्लाई प्रपोजनली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन एंडशियल इट इज इनकॉर्पोरेटेड ठीक है सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है अब सर सुनो एक छोटा सा ब्रेक लो फिफ्टीन मिनट का देन वी विल कंटिन्यू विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो आपके डाउट्स हैं वो मैं टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द क्लास लूंगा क्योंकि पंद्रह मिनट का ब्रेक मेरे को भी चाहिए आफ्टर दी ब्रेक आई एल सी यू एंड डू रिमाइंड मी टू टर्न ऑन द रिकॉर्डिंग ठीक है सी यू